आप सबने ये कहावत तो जरूर सुनी होगी कि जैसी करनी वैसी भरनी। ऐसा ही कुछ नज़ारा देखने को मिला जब बिहार के छपरा शहर में सोमवार को छात्राओं ने मनचलों को सबक सिखा दिया। आपको बता दें कि प्रभुनाथ नगर की 3-4 छात्राएं ट्यूशन पढ़कर जब लौट रही थी, तभी सर्किट हाउस के पास कुछ आवारा लड़के पहले से खड़े थे और वो छात्राओं को देख के उन्हें छेड़ने लगे। इस पर छात्राओं ने उन मनचलों को माँ बहन की याद दिलाई, फिर भी उन पर इस बात का कोई असर ना हुआ। उनके इस बर्ताव को पहले तो छात्राओं ने नजरअंदाज करना ही सही समझा और वो आगे को बढ़ गईं, पर लड़के पीछे से कमेंट करते हुए आने लगे। इसके बावजूद भी लड़कियों ने उन्हें अपशब्द बोलकर उन्हें भगाना चाहा, पर जब छात्राओं के लाख जतन के बाद भी लड़के अपनी आदतों से बाज नहीं आए, तब छात्राओं ने उन्हें सबक सिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और उन पर सैंडल व लात घूसों की बरसात कर डाली। खबरों की माने तो छात्राओं ने एक एक कर सभी मनचलों को जमकर पीटा है, साथ ही उन मनचले आशिकों को खूब सबक भी सिखाया है। जब लड़कों ने छात्राओं का रौद्र रूप देखा तो वो सभी भाग गए, पर आखिर में छात्राओं के हाथ एक लड़का फंस गया और उसे उन्होंने पकड़ लिया और घसीटते हुए थाने ले जाने लगी। उस वक्त रास्ते में उसने ऐसी गलती दोबारा नहीं करने की कसम भी खाई, तब जाकर कई छात्राओं ने उसे बख्श दिया। भाई वाह, ये हुई ना बात। लगता है कि ये लड़कियां बॉलीवुड की एक्ट्रेस रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी से काफी प्रेरित हैं, और होना भी चाहिए ताकि कोई भी लड़का ऐसा कदम उठाने से पहले 100 बार सोचे। वाकई अगर औरत अपने अंदर की शक्ति को पहचान ले तो उसे किसी भी प्रकार के सशक्तिकरण की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से दीक्षा दीक्षित की रिपोर्ट।